हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के वो सुबह बज कर रहे हैं यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह हो गई है, चिल्ला रहे हैं हमारे, उसके लिए चलते हैं दूध लेने। भूखी भी है तो ख़त्म हो गया, चाय बन गई थी, अब चलते हैं उसके लिए दूध लेने। क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? दूध गाइस, चल रहा है दूध लेने। कहाँ पे लेना है? काली बाई पे है? जो मोहन के यहाँ से ले लो, यहाँ से ले ले रहे। ले लिया है दूध, और घर वालों ने मंगाया था, नमक खत्म हो गया था, नमक ले लिया। चलते हैं पीलो पीलो। दुकान जल्दी से रखते हैं सामान, टिफिन वगैरह बैग में। हाँ, गाइस दुकान वुकान आ गए हैं, साफ सफाई सब कुछ हो गई है, और कस्टमर का वेट कर रहे हैं। कस्टमर एक का फोन आया था, तो वो अब थोड़ा बिजी हो गया है, वगैरह आता हूँ थोड़ी देर में, आता हूँ थोड़ी देर में। गाइस फ्री हो गए हैं, दोपहर के बज रहे हैं 2:30, और अब खाते हैं खाना। चलो, ये काम वाम तो है नहीं है, सुबह से बैठे हैं, दोपहर से अजान हो गई, चलो जाके नमाज पढ़ के आते। अल्लाह कर दिया आज कोई ऊपर वाला भेजते कोई कस्टमर है, नमाज पढ़ के आते। चलो गाइस, अपनी सेविंग तो कोई करेगा नहीं, तो अपन खुद करते हैं। किसको मक्खन लगाओ, अपन खुद करते हैं। कटिंग भी करवानी है आज, बाल भी बड़े हो गए थोड़ा थोड़ा सा, और चलेंगे आज शाम को रईस भाई के दुकान। रईस भाई की बात हो गई है, रईस भाई यहाँ करवाएंगे बाल सेट, बड़े बड़े हो गए साइडों में, अच्छे नहीं लग रहे, बहुत बुरे से लग रहे हैं, बड़े बड़े हो गए। शाम को चलेंगे बाल कटवाने सदर बाजार रईस भाई के यहाँ। गाइस चलते हैं घर, गाड़ी आ चुकी है, भाई साहब आ चुके हैं, और आज था जुमरात, तो काम वाम थोड़ा सिल होता, पानी पीते हैं, चलते हैं घर। गाड़ी आ गई, जाना हेयर कट करवाने वहाँ से, क्योंकि अभी 7:45 का टाइम था, 7:45 तक ही बज गया, चलते हैं। भाई चलते हैं हम सीधा सदर बाजार रईस भाई के दुकान बाल कटवाने। ठंड बहुत हो रही है यहाँ पर सदर बाजार में, बहुत ठंड लगती है, तो हरियाली में बहुत है यहाँ पे, बहुत ठंड लगती है, तो चलते हैं रईस भाई के दुकान। है दुकान हमारी रईस भाई की, देखो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। ये हमारे रईस भाई सेठ जी, पेट अभी वहाँ है इनका। अब रईस भाई से हम कटवाएंगे बाल, काफ़ी बड़े बड़े हो गए। रईस भाई बाल सेट करो, जो मैंने कटिंग की शुरुआत की है, शुरुआत की है, और यहीं पे सीखा है मैंने, इन्हीं के पास सीखा है, रईस भाई के पास सीखा। करीब तकरीबन मैंने इनके पास 5 साल काम किया, 5 साल, 5 साल के बाद फिर मैं गया राजस्थान जोधपुर, वहाँ पर काम किया, वहाँ पर काम करने के बाद फिर मुंबई भी गया, मुंबई में भी काम किया, फिर वहाँ से सीधा आगे सीधा मैंने अपने ही झांसी में अपनी खुद की सैलून। बहुत बड़े सिंगर हैं ये, अच्छे दाम बनाते हैं कटिंग। वो बना बना देना आईडी, जो बच्चे लोग मतलब इंस्टाग्राम की आईडी बना बना भेज तो बना के। Thank you.
अभी तक रईस भाई ने की हमारी कटिंग, अब रईस भाई की कटिंग करते हैं। कड़क है बॉडी की, बॉडी सब कड़क है। बॉडी बॉडी बनानी, जिम नहीं जा रहे लगा, जिम नहीं जा रहे, जिम नहीं जा रहे, बॉडी फुली हो गई, फुलफुली हो गई। और क्या कहते, बैठो तो, बैठो तो, बढ़ गया सारी मुका जाना है, है? नहीं बस बहुत ज्यादा नहीं है। रईस भाई के यहाँ जो मैं पहले 10 साल पहले 11 12 साल पहले जो चीज पहले देखा था वो आज भी चीज है, आज भी वो चीज यूज करते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, सबसे पहले ये ब्रेंच जो पहले थी 11 12 साल पहले, उससे हम लोगों ने शुरुआत की थी। वो पहले इलाहाबाद बैंक चौराहे पे दुकान थी, वहाँ पे बैठे रहते थे। और ये कुर्सी, इससे इसी से मैंने काम पूरा सीखा है। कुर्सी अब थोड़ा रिपेयर करवा दी थी। और ये फ़ोन करीबन 9-10 साल पुराना फ़ोन हो गया, आज भी है ये, आज भी होम थिएटर चलता है ये। ये होम थिएटर जबी का है, ये होम थिएटर। ये मोबाइल, लोगों का मोबाइल 2 साल नहीं चलता, इसकी ना बैटरी ख़राब हुई ना मोबाइल, वैसे देखो पूरा फ्रेश रखा है, बस 2 बटन टूट गए, आज भी वैसी की वैसी फ़ोन है। ये तक ये करीबन 6-7 साल की पुरानी मशीन हो गई, हेयर ड्रायर। आज भी इसका देखो ड्रायर भी है, धूल मिट्टी खा रही है, लेकिन डिब्बा अभी भी रखा है, मशीन भी चलती है। राइस भाई बहुत पुरानी चीज़ है हमारे, आज एक चीज़ देखो था। इस वीडियो को करते हैं पे एंड। अगर वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को करो लाइक, नए चैनल पे नए हो तो नए चैनल को करो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हां बना, व्हाट्स अप हो रहा है।